गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? पिछली क्लास में हमने लिमिट पे बातें की थी, रेशनलाइजेशन मेथड किया था, फैक्टराइजेशन मेथड किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीरीज। सीरीज पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरह से उन क्वेश्चंस को डील करते हैं, वो मैं बात करता हूँ बेटा। क्वेश्चन हेडिंग है अपना आज का, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीरीज। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेस्ड ऑन सीरीज, मैंने कहा बेटा अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा। क्वेश्चन सीरीज, सीरीज कौन कौन सी है? तुमने कहा बेटा एपी हो सकती है, जीपी हो सकती है, एचपी हो सकती है और एजीपी हो सकती है, या फिर कोई इनवर्स में कोई सीरीज हो, इस तरह कनेक्ट हो कि 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई वाले फॉर्मूले से उसे एक्सपॉन्ड करना पड़े, या फिर डिफरेंस मेथड कोई ना कोई हो, उस तरह से कोई भी सीरीज देगा और कहेगा बेटा इसका इस पर लिमिट फाइंड करो अगर ये इस तरह से। तो है तो सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसी होती है वो हम डिस्कस करते हैं। बेटा तुम एपी के बारे में जानते हो, जैसे ए प्लस डी, मैं ए पी की बात करूं, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। तुमने कहा ठीक है बेटा, इसमें एनथ टर्म क्या होती है? तुमने कहा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बहुत बढ़िया बेटा। और इसमें मैंने कहा सम ऑफ एन टर्म्स कितनी होती है? तुमने कहा एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तुमने कहा अच्छा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैंने कहा हाँ बेटा ये सम ऑफ एन टर्म्स हो गया। तुमने कहा अच्छा अच्छा सम ऑफ एन टर्म्स। मैंने कहा हाँ बेटा एक बात बताओ कि अगर कोई आपसे बोले समेशन वन कितना, तुमने कहा n, तो ठीक, और समेशन n कितना, तुमने कहा बेटा समेशन n, तो मैं कहता हूँ आन एन प्लस वन बाई टू। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो बेटा, ऐसे इसको आप इससे कह सकते हो समेशन n, या समेशन r इक्वल वन टू n और वन कह दे, या इसे अपन कहते हैं समेशन r इक्वल वन टू n r, तब भी मतलब यही होता है। तुमने कहा अच्छा, और मैंने कहा समेशन n स्क्वायर, तुमने कहा n n प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स, और बेटा मैंने कहा दिया समेशन n क्यूब, तुमने कहा बेटा n n प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा, ये मुझे सम ऑफ एपी के सीरीज पे रिलेटेड इस टाइप की प्रॉब्लम आई। तुमने कहा अच्छा 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 जीपी में, तुमने कहा बेटा जीपी। मैंने कहा बेटा जीपी, तो जीपी में बेटा क्या होता है, ए आर, ए आर स्क्वायर, इस तरह चलता जाएगा। तुमने कहा इसका एन टर्म, तुमने कहा ए आर की पावर एन माइनस वन, और सम ऑफ एन टर्म्स, तुमने कहा ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, जब आर की वैल्यू मोड आर की वैल्यू वन से कम हो। और बेटा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, तुमने कहा ए अपॉन वन माइनस आर। बेटा ये इस तरह से मेनली कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनको मैं यूज़ करूँगा और क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है बेटा? तो अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन है, तुमने कहा अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना। मैंने कहा बेटा ये तुम्हें दिख रहा है? तुमने कहा ये किसी सीरीज है? तुमने कहा बेटा ये जीपी है। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दूँ एस एन, मुझे एस चाहिए। तो मैंने कहा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आर इक्वल वन टू एन, और ये टी आर निकालो। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा एस को मुझे ये चाहिए बेटा। तुमने कहा अच्छा, इसको एस कह दिया बेटा। तुमने कहा यस एस, तो मैंने कहा लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन आर इक्वल वन टू एन टी आर कितना। तुमने कहा टी आर की बातें कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ बेटा टी आर। तो बेटा इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है? तुमने कहा वन बाई थ्री। आर कितना? आर बेटा वन बाई थ्री की पावर एन माइनस वन। अच्छा अच्छा, तो बेटा ये एस कितना हो गया? तुमने कहा वन अपॉन थ्री की पावर एन लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। बेटा अब इन क्वेश्चंस को मुझे सॉल्व करना। तुमने कहा अच्छा, बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एज इट इज, और ये बेटा कि कैसी दिख रही है? तुमने कहा जीपी है, जीपी में एन टर्म्स है। तुमने कहा एन टर्म्स का सम कितना होता है? तुमने कहा ए, ए दैट इज वन बाई थ्री, वन माइनस वन बाई थ्री की पावर एन अपॉन वन माइनस वन बाई थ्री। तुमने कहा अच्छा, ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। तुमने कहा ठीक है बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह। तुमने कहा ठीक बेटा, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट वन बाई थ्री, और ये कितना बेटा वन माइनस वन अपॉन थ्री की पावर एन अपॉन टू बाई थ्री। ये बेटा थ्री से थ्री गया। अब बेटा अगर एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट लूँ तो वन अपॉन थ्री की पावर इन्फिनिटी, थ्री की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और वन अपॉन इन्फिनिटी कितना जीरो। ओके दैट मीन्स हमारा आंसर कितना हो गया बेटा, वन माइनस जीरो अपॉन टू, दैट इज वन बाई टू इज योर आंसर। ये हमारे क्वेश्चन आंसर है।
तुमने कहा अच्छा, अब इस क्वेश्चन को डील करूं बेटा, मैंने कहा अच्छा तो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और ये कितना बेटा सीरीज ए वन माइनस फाइव की पावर एन अपॉन वन माइनस फाइव अपॉन वन माइनस फाइव की पावर एन का होल स्क्वायर। तुमने कहा अच्छा बेटा इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, बेटा ध्यान से सुनना, मैंने कहा वन वन माइनस फाइव की पावर एन अपॉन वन माइनस फोर माइनस फाइव इंटू वन माइनस फाइव की पावर एन और वन प्लस फाइव की पावर एन। तुमने कहा अच्छा, और लिमिट एन टेंडिंग टू क्या है, तुमने कहा इनफाइनाइट। ओके बेटा वन माइनस फाइव की पावर एन, फाइव की पावर एन चला गया। अब यहाँ बचा क्या बेटा, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन फोर वन प्लस फाइव की पावर एन, ये बेटा हमारे पास बचा। तुमने कहा ये बचा, मैंने कहा हाँ बेटा ये वाला क्वेश्चन। अब देखो एन टेंडिंग टू क्या है, तुमने कहा इनफाइनाइट, तो फाइव की पावर इनफाइनाइट कितना, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो तो इनफाइनाइट है, तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट दैट इज जीरो। तो हमारा आंसर आ गया बेटा, ये जीरो आंसर आ गया। बच्चों ऐसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैंने कहा हाँ बेटा हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तुमने कहा ठीक है, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन वन प्लस थ्री प्लस फाइव अप टू टू एन माइनस वन। मैंने कहा बेटा मैं इसको ऐसे कह दूँ, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट ये एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, और ये कितना बेटा, तुमने कहा फर्स्ट टर्म कितनी, टोटल टर्म्स इसमें कितनी है, तुमने कहा बेटा टोटल टर्म्स तो हमारे पास इसमें एन है, अच्छा एन टर्म्स है। तुमने कहा कैसे पता किया, मैंने कहा एन टर्म टू एन माइनस वन इक्वल वन प्लस कैपिटल एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना था टू, तुमने कहा यस। तो बेटा यहाँ से टू एन माइनस वन इक्वल कैपिटल एन माइनस वन और इंटू टू, ये गया बेटा, तो कैपिटल एन इक्वल कितना हो गया स्मॉल एन। तुमने कहा अच्छा टोटल टर्म्स एन है, और बेटा ये सम का बेटा एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके बेटा ये कैंसिल चला गया और ये टू टू से चला गया, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर आ गया। अच्छा लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एन स्क्वायर बाहर खींचो तो वन प्लस वन बाई एन प्लस वन बाई एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, बेटा एन स्क्वायर से एन स्क्वायर गया, और एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो, वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो, तो बचा क्या बेटा, तुमने कहा वन, ये वन आ गया बेटा हमारे पास। तुमने कहा अच्छा अच्छा बच्चों जैसी बात है, आराम से डील कर सकते हैं। अब बेटा इन क्वेश्चंस को देखना बहुत आराम से बेटा, रिलैक्स होके तुमने कहा यस लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट बेटा वन प्लस टू प्लस थ्री, ये तो ए पी दिख रही है, तुमने कहा यस, इसका बेटा एन एन प्लस वन बाई टू और अपॉन एन स्क्वायर, एक एन चला गया, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट बेटा यहाँ से एन बाहर खींचो तो वन प्लस वन बाई एन अपॉन टू एन, एक एन फिर चला गया, आंसर आ गया वन बाई टू। अच्छा एन की पावर टू वन बाई टू, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट ये कितना बेटा, तुमने कहा बेटा ये भी फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, तुमने कहा यस, और वन प्लस एन क्यूब, बढ़िया बच्चों की तरह मेरी बात सुनना, तुमने कहा यस। तो देखो बेटा यार देखो इसमें से कॉमन लूँ, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एन को बाहर खींचो तो एन क्यूब वन प्लस वन बाई एन और टू वन प्लस वन बाई एन अपॉन यहाँ से एन सिक्स एन क्यूब को बाहर खींचो तो ये कितना बेटा वन बाई एन क्यूब प्लस वन, ये सिक्स एन क्यूब गया बेटा। तुमने कहा अच्छा ये गया, मैंने कहा बेटा वन प्लस वन बाई एन टू प्लस वन बाई एन वन बाई एन क्यूब प्लस वन, तो ये हमारे पास क्या हो गया एन टेंडिंग टू वन अपॉन इनफाइनाइट वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो, तो हमारे पास क्या आ गया टू बाई सिक्स दैट इज वन बाई थ्री। ओके तो यार देखो यहाँ वन स्क्वायर टू स्क्वायर एन क्यूब है तो आंसर आ रहा है वन बाई थ्री, वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन स्क्वायर है तो ये आंसर आ रहा है वन बाई टू। ओके सोचना ऐसे क्वेश्चन क्यों आ रहा है ऐसा, आगे और देखते हैं इसको। अब बेटा इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आना है, तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर बेटा यहाँ क्यूब है ये एन फोर है, वन क्यूब टू क्यूब थ्री क्यूब, तो हमारे को पहले वाले कॉन्सेप्ट से यहाँ फोर फोर है तो आंसर फोर आना चाहिए, वन बाई फोर आना चाहिए, साथ में माइनस आगे है तो माइनस वन बाई फोर आएगा। तुमने कहा अच्छा कैसे, मैंने कहा देखो बेटा इसको प्रॉपर तरीके से बनाते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट वन क्यूब दैट इज इसको मैं ऐसे लिख दूँ एन क्यूब समेशन एन क्यूब, समेशन एन क्यूब कितना बेटा एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर,
अपॉन वन माइनस एन फोर, तो हमने कहा यस, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मैंने कहा यस बेटा बाहर खींचो, एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर वन प्लस वन बाई एन का होल स्क्वायर अपॉन एन फोर बाहर खींचो, तो वन बाई एन की पावर फोर माइनस वन, ये बेटा एन फोर, एन फोर गया बेटा, और एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो वन अपॉन इनफाइनाइट कितना जीरो, तो हमारे आंसर कितना हो गया बेटा, हमें फोर भी था साथ में, तो हमने कहा यस, तो हमारा आंसर आ गया माइनस वन बाई फोर, क्या आंसर आ गया माइनस वन बाई फोर, ये हमारा आंसर है। तुमने कहा अच्छा अच्छा, अब बेटा देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तुमने कहा अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व करना, अब बेटा बताओ इसमें आंसर क्या होगा, तुमने कहा या वन की पावर फोर, टू की पावर फोर, या एन की पावर फाइव है, तो मुझे दिख रहा आंसर है वन बाई फाइव आएगा, इसमें आंसर कितना होगा, तुमने कहा बेटा यहाँ वन क्यूब है, टू क्यूब है, समेशन एन क्यूब होगा, समेशन एन क्यूब में हाइएस्ट पावर एन की पावर फोर आएगी, और एन की पावर फोर आएगी, और यहाँ एन की पावर फाइव है, क्या बेटा n की पावर 5 है, अब ये n की पावर 5 है बेटा, तो इसका मतलब यहाँ n की पावर 4 आएगी और n की पावर 5 जाएगी, तो एक n बचेगा, और n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, इसका मतलब बेटा ये तो एक n बचेगा, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट तो जीरो बना देगा, ओके, तो इसका आंसर सीधा 1 बाई फाइव आना चाहिए। तुमने कहा अच्छा बेटा, एक तो तरीका ये है डायरेक्ट अपन बना सकते हैं, पूछा प्रॉपर तरीके से बेटा, तुमने कहा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, एक दूसरा तरीका बेटा इसका डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट वो उस तरह से बना सकते हैं, कैसे, तो तुमने कहा बेटा इसको मैं ऐसे रखूं बेटा समेशन ये बेटा r की पावर 4 अपॉन n की पावर 5, n की पावर 4 मतलब n की पावर 4 इंटू n कर दिया माइनस, और ये लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तुमने कहा यस, और ये कितना बेटा वन क्यूब, टू क्यूब, थ्री क्यूब, एन क्यूब, तो ये बेटा हो गया एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, और बेटा एन की पावर फाइव, इसमें तो इंटीग्रल करने की ज़रूरत नहीं, इसमें इंटीग्रल बेटा ये आर की, इसको मैं ऐसे कह दूँ लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन आर बाई एन की पावर फोर और वन बाई एन, और इंटीग्रल लिमिट एज ए सम मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, उसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा, आर बाई एन को मैंने इसको इंटीग्रल में चेंज कर दूंगा, आर बाई एन को एक्स मानूंगा, तो एक्स की पावर फोर और ये वन बाई एन को डी एक्स, और क्योंकि आर बाई एन को एक्स माना है बेटा, तो जब एन की वैल्यू इन्फाइनाइट होती है बेटा, तो समथिंग अपॉन इन्फाइनाइट जीरो, तो इनिशियली तो अगर r को 1 रखूंगा तो 1 अपॉन इनफाइनाइट जीरो, तुमने और एंड में बेटा r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर n तक, तो n रखूंगा तो n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तुमने कहा अच्छा, और माइनस बेटा n की पावर 4 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, 1 बाई एन का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू n की पावर 5, बेटा ये कैंसिल होगा, यहाँ सिंपल ही n बचा, तुमने कहा इसका इंटीग्रेशन किया तो बेटा x की पावर 5 बाई 5, तुमने कहा यस, और 1 टू 0, और माइनस n की जगह इनफाइनाइट रखा तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, और 1 ये बेटा 0 आ गया, तुमने कहा यस, और हमारा आंसर कितना आ गया बेटा 1 बाई 5, कितना आंसर आ गया 1 बाई 5, ये बच्चों जैसी बात है, तुमने कहा वाह यार ये तो बहुत सिंपल है, मैंने कहा बिल्कुल बेटा बहुत आराम से डील कर सकते हैं, अब इस क्वेश्चन को बेटा डील करूँ, तुमने कहा अच्छा अच्छा जैसे इसको मैंने डायरेक्ट किया था तो इसको भी मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, बताओ इसका आंसर क्या, तो तुमने कहा सीधा आंसर बेटा 1/100 दिख रहा है, तुमने कहा यस, और तुमने कहा सर उस तरह से बनाओ, तो तुमने कहा समेशन एन लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट और आर बराबर 1 टू एन, और ये कितना बेटा आर की पावर 99 अपॉन एन की पावर 99 इंटू एक एन कर दो, तो बेटा ये हमारे पास कितना आ गया, इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे तो 0 टू 1 आर बाई एन की पावर 99, तो एक्स की पावर 99, और 1 बाई एन को मैंने डी एक्स कह दिया, बच्चों जैसी r बाई एन को मैं x कहता हूँ और 1 बाई एन को डी एक्स कहता हूँ, मैं आगे डिटेल में आपको बताऊँगा बेटा, तुमने कहा अच्छा बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, x की पावर 100/100 और लिमिट बेटा 1 टू 0 है, तुमने कहा इसका आंसर आ गया 1/100, ये बच्चों जैसी बात है, ये मेथड कौन सा है इंटीग्रल लिमिट एज अ सम, जो मैं सबसे बाद में पहले सारे केसेस बताने के बाद बताऊंगा, इस तरह से बनेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट कहो बेटा 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, सीधा आंसर कितना 1 बाई 5, सीधा 1 बाई 5 कहो, जैसे इसमें देखो 1 की पावर 99 और ये 10 की पावर 100, तो सीधा आंसर 1 बाई 100, तुमने कहा अच्छा बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना, तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन बेटा इन दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है, 1, 2, 2, 3 दोनों का डिफरेंस 1 है, अच्छा बेटा मैं इसको ऐसे कह दूँ, कैसे कह दूँ, तुमने कहा बेटा इसको ऐसे कह दो
देखो वन अपॉन एन एन प्लस वन है ना, तुमने कहा बेटा इन दोनों का डिफरेंस वन है, इसका भी डिफरेंस वन है, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ ऊपर वाले वन को एन प्लस वन माइनस एन, तुमने अब बिल्कुल कह दो, और एन एन प्लस वन अलग अलग करूँ बेटा इसको, तो ये कितना वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, ये बेटा तुमने कहा अच्छा वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, मैंने कहा बिल्कुल बेटा ऐसा, इसका मतलब लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट वन अपॉन वन इंटू टू, तो बेटा मैं ऐसे कह सकता हूँ वन माइनस वन बाई टू, तुमने हाँ यार ऐसा कह सकते हो, प्लस वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन थ्री, नेक्स्ट वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन फोर, ऐसे चलता गया बेटा, वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, तुमने कहा अच्छा बेटा देखो ऐसे वन बाई टू वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाई थ्री, ऐसे कैंसिल होता गया, बचा कौन, तुमने कहा बेटा लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, अच्छा ये बचा, मैंने कहा बेटा ये बचा, अब बेटा ये इसको अपन देखें तो वन अपॉन एन प्लस वन, तो अपने ने ऐसे देखा बेटा ये एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, तो वन अपॉन इन्फाइनाइट कितना जीरो, तो वन माइनस जीरो दैट इज़ वन, ये आंसर, तुमने कहा वाह यार ये तो बच्चे जैसी बात है, मैंने बिल्कुल बेटा सिंपल है आराम से इसको डील कर सकते हैं, तुमने कहा अच्छा बेटा इन क्वेश्चंस को डील करना, तुमने कहा अच्छा अच्छा इन क्वेश्चन को डील करना, मैंने कहा बेटा देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, तुमने कहा बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस टू, अच्छा इन दोनों के बीच का डिफरेंस टू है, तो आप क्या करो बेटा इस क्वेश्चन को डील करने के लिए लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तुमने कहा ठीक है बेटा टू अपॉन वन इंटू थ्री, टू अपॉन थ्री इंटू फाइव, टू अपॉन फाइव इंटू सेवन, ऐसे चलता गया बेटा, प्लस टू अपॉन टू एन माइनस वन और टू एन प्लस वन, बहुत बढ़िया बेटा, बेटा मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट वन बाई टू एज इट इज, और इसको ऐसे कह दूँ वन माइनस वन बाई थ्री दैट इज टू बाई थ्री, इसको मैं ऐसे कह दूँ बेटा वन अपॉन थ्री माइनस वन बाई फाइव, तुमने एलसीएम लिया तो वही फाइव माइनस थ्री थ्री इज टू फाइव, इसको मैं ऐसे कह दूँ बेटा वन अपॉन फाइव माइनस वन अपॉन सेवन, तुमने कहा ऐसा चलता गया, प्लस वन अपॉन टू एन माइनस वन माइनस वन अपॉन टू एन प्लस वन, टू एन यस, तुमने कहा अच्छा बच्चों जैसी बात, बेटा देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, तुमने होने दो, ये इससे कैंसिल हो रहा है, तुमने कहा अच्छा ये इससे कैंसिल होने दो, ये ऐसे कैंसिल होता जा रहा है, तो बचा कौन बेटा, तुमने कहा लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट वन बाई टू, एक तो बचा वन और एक बचा लास्ट वाला वन अपॉन टू, एन टेंडिंग टू क्या बेटा इनफाइनाइट, तो वन अपॉन इनफाइनाइट कितना बेटा जीरो, खत्म, तो आंसर कितना बेटा वन बाई टू, दिस इज योर आंसर, तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा सेम चीज इधर भी है, तुमने कहा लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, बेटा इसको भी अगर देखो बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तुमने कहा टू, तो बेटा क्या करो टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तुमने कहा अच्छा तो बेटा टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो वन बाई टू, और ये क्या बचा टू अपॉन टू इंटू फोर, टू अपॉन फोर इंटू सिक्स, टू अपॉन सिक्स इंटू एट, ऐसा चलता गया, प्लस टू अपॉन टू एन इंटू टू एन प्लस टू, बढ़िया बच्चों की तरह बात सुनना, मैंने कहा यस, और बेटा इसको मैं ऐसे कह दूँ लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट वन बाई टू, और इसको ऐसे कह दूँ वन बाई टू माइनस वन बाई फोर, तो मैं दौड़ के कहूँ इसको मैं कह दूँ बेटा वन बाई फोर माइनस वन बाई सिक्स, आराम से रिलैक्स होके तुम देखो, तुमने कहा यस, इसको ऐसे कह दूँ वन बाई सिक्स माइनस वन बाई एट, तुमने कहा यस प्लस, और ऐसे चलता गया प्लस, और बेटा वन बाई टू एन माइनस वन अपॉन टू एन प्लस टू, तुमने अच्छा बेटा ये जा रहा है, जाने दो ये सब चला जाएगा, बचेगा क्या, तुमने कहा बेटा लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट वन बाई टू बचेगा इंटू वन बाई टू माइनस वन अपॉन टू एन प्लस टू, तुमने कहा अच्छा बेटा एक बात बताओ एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट ये तो जीरो बनेगा और आंसर कितना आ गया वन बाई फोर, अच्छा तुमने कहा सर इसका कोई ऐसा मेथड है क्या जो डायरेक्ट बना दे, मैंने कहा बिल्कुल है बेटा शॉर्ट ट्रिक कहते हैं या जो भी कहो बेटा टाइम पास, मैंने कहा अच्छा बेटा इसमें आपको क्या करना है वन अपॉन फर्स्ट टर्म और इनटू डिफरेंस, यही हमारा आंसर होगा वन अपॉन डिफरेंस, तुमने कहा बेटा इसका फर्स्ट टर्म कितना है, तुमने कहा फर्स्ट टर्म इसका वन है, तो ये अपना आंसर आ गया बेटा कितना
वन इंटू, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? टू. तो बेटा टू, तो आंसर वन बाई टू. अब तुमने कहा इसका बेटा, मैंने कहा देखो फर्स्ट टर्म कितना है, तुमने कहा टू, और डिफरेंस कितना है, तुमने कहा टू, तो अच्छा वन बाई फोर आंसर. डायरेक्ट देख सकते, तो अपने सीधा यूज करेंगे फर्स्ट टर्म इंटू वन अपॉन डिफरेंस, वन अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू वन डिफरेंस. तो बेटा हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा. बच्चों जैसी बात है, आराम से डील कर सकते हैं. तुमने कहा अच्छा अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. तो बेटा फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस कितना है? तुमने कहा टू. तुमने कहा अच्छा टू. मैंने कहा हाँ बेटा टू. तो क्या बेटा मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, टू से मल्टीप्लाई किया सबको. तुमने कहा अच्छा टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. मैंने कहा तो टू से घर का रास्ता है नहीं, डिवाइस भी करेंगे वन बाई टू. बेटा ये कितना हो गया? टू अपॉन वन इंटू टू प्लस वन इंटू टू इंटू थ्री, टू अपॉन टू इंटू थ्री इंटू फोर. तुमने कहा प्लस टू अपॉन थ्री इंटू फोर इंटू फाइव. तुमने कहा यस. प्लस टू अपॉन एन एन प्लस वन एन प्लस टू. तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा, अच्छा बेटा ध्यान से सुनना बेटा. तुमने कहा अच्छा बेटा लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट वन बाई टू. तुमने कहा यस. बेटा टू अपॉन वन इंटू टू इंटू थ्री को मैं ऐसे कह दूँ बेटा वन अपॉन वन इंटू टू माइनस वन अपॉन टू इंटू थ्री. एलसीएम लो बेटा इसका, तो वन टू थ्री, और यहाँ पे कितना आएगा? थ्री, और इधर आएगा वन, तो थ्री माइनस वन टू. ओके इसको क्या कह सकता हूँ बेटा? तुमने कहा इसको, मैंने कहा हाँ बेटा, तो मैं इसको ऐसे कह दूँ वन अपॉन टू इंटू थ्री माइनस थ्री इंटू फोर. तुमने कहा यस. इसको ऐसे कह सकता हूँ वन अपॉन थ्री इंटू फोर माइनस वन अपॉन फोर इंटू फाइव. तुमने कहा यस, और ऐसे चलता गया बेटा. इसको ऐसे कह दूँ वन अपॉन एन एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन एन प्लस टू. तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा देखो ध्यान से सुनो बेटा ध्यान से. तुमने कहा ये इससे गया, ये इससे गया, जा रहा है, तो बचा कौन? तुमने कहा बेटा फर्स्ट इंटू लास्ट. लास्ट कौन बेटा? एन प्लस वन एन प्लस टू. तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा एन की जगह इन्फाइनिट रखेंगे तो वन अपॉन इन्फाइनिट तो जीरो हो गया. तुमने कहा यस, तो अपने पास बचा क्या बेटा? तुमने कहा अपने पास बच गया बेटा टू इंटू वन इंटू टू, देखे दैट इज वन टू थ्री, वन बाई फोर आंसर. तुमने कहा सर इसका डायरेक्ट भी तो आंसर देखो कोई. मैंने कहा वही तरीका बेटा, शॉर्ट ट्रिक जिसको कहते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक. बच्चों जैसी बात है, बच्चों जैसी. तुमने कहा अच्छा, तो तुम कहोगे बेटा फर्स्ट कपल वन टू थ्री में फर्स्ट कपल कौन है? तुमने कहा बेटा फर्स्ट कपल तो है वन इंटू फर्स्ट कपल. फर्स्ट कपल की बात कर रहा हूँ. तुमने कहा अच्छा फर्स्ट कपल. मैंने कहा यस. इंटू डिफरेंस, हाईएस्ट डिफरेंस. अच्छा डिफरेंस मतलब किसका बेटा? पहले और लास्ट का डिफरेंस. तुमने कहा अच्छा, तो वन पहला कपल कौन है? तुमने कहा बेटा वन इंटू टू. ओके इंटू, और डिफरेंस कितना पहले और लास्ट का? तुमने कहा थ्री माइनस वन, दैट इज वन बाई फोर आंसर बेटा. सीधा आंसर भी इसको डील कर सकते हैं. बच्चों जैसी बात है, आराम से डील करेंगे. अब बेटा देखो ये क्वेश्चन है, पहले वाला ही क्वेश्चन है. तुमने कहा अच्छा, तुमने कहा सर इसमें देखो पहले पहले और लास्ट का डिफरेंस कितना है? तुमने कहा पहले और लास्ट का डिफरेंस तो फोर है. अच्छा फोर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं. लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट वन अपॉन फोर, और इसको फोर कह दो. फोर अपॉन टू इंटू फोर इंटू सिक्स, फोर अपॉन फोर इंटू सिक्स इंटू एट, प्लस फोर अपॉन सिक्स इंटू एट इंटू टेन, प्लस प्लस फोर अपॉन टू एन प्लस टू, टू एन प्लस फोर. तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा देखो ऐसे. तुमने कहा ध्यान से सुनना बेटा. तुमने कहा बिल्कुल हम ध्यान से सुनेंगे. तुमने कहा अच्छा फोर अपॉन टू फोर सिक्स. बेटा मैं इसको ऐसे कह दूँ लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट वन अपॉन फोर. तुमने कहा यस. बेटा मैं इसको ऐसे कह दूँ क्या? वन अपॉन टू इंटू फोर माइनस वन अपॉन फोर इंटू सिक्स. तुमने आराम से कहो, क्या फर्क पड़ता है? तुमने कहा ठीक, इसको क्या कहें बेटा? वन अपॉन फोर इंटू सिक्स माइनस वन अपॉन सिक्स इंटू एट. एलसीएम लेंगे तो फोर सिक्स एट आएगा. इसमें तो बेटा कितना आएगा? एट, और इसमें आएगा फोर, तो एट माइनस फोर फोर. अच्छा इसमें बेटा कितना? तुमने कहा वन अपॉन सिक्स एट माइनस वन अपॉन एट टेन. इस तरह चलता गया बेटा. तो यहाँ पे क्या बचेगा? वन अपॉन टू एन, टू एन प्लस टू माइनस वन अपॉन टू एन प्लस टू, और टू एन प्लस फोर. तुमने कहा अच्छा बेटा देखो ये जा रहा है, ये जा रहा है, ऐसे जा रहा है. बचा क्या? लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट बचा क्या बेटा? तुमने कहा वन बाई फोर, टू इंटू फोर बेटा फर्स्ट बचा. तुमने कहा अच्छा, माइनस
लास्ट। और n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो बेटा हमारा आंसर क्या हो गया, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो 1 इंटू 4 2 इंटू 4 दैट इज 4 दुने 8 दुने 16 132 आंसर। तुमने कहा सर इतनी रामायण क्योंकि डायरेक्ट ही शॉर्ट ट्रिक से इसको खत्म कर देते हैं। मैंने कहा बेटा शॉर्ट ट्रिक से आप इसको खत्म कर सकते हैं। कैसे? तुमने कहा पहला फर्स्ट कपल कितना है 2 × 4 इंटू इनका डिफरेंस पहले का और तीसरे का, तो 6 − 2 दैट इज 4, अपना आंसर आ गया 1/32। ये हमारा आंसर है बेटा। डायरेक्ट भी अपन देख सकते हैं और वैसे सिंपली तो है ही है तरीका। बेटा इस क्वेश्चन को मुझे डील करना, तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को डील करना। मैंने कहा बेटा मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल 1 to n tr को मैंने कहा r अपॉन d रख दिया। बेटा इसको मैं ऐसे कह दूँ r4 + 2r² + 1 − r² r स्क्वायर ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तुमने कहा ठीक है बेटा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल 1 to n ये r अपॉन ये r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तुमने कहा इस, और इसको अपन कहते हैं समेशन r इक्वल 1 to n लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, या इसको नेक्स्ट स्टेप पे लिखता हूँ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल 1 to n इसको अपन ऐसे कहते हैं r अपॉन बेटा ये कितना r स्क्वायर प्लस 1 माइनस r और r स्क्वायर प्लस 1 प्लस r। बेटा इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तुमने कहा बेटा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2r है, तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 2r है और अपने पास केवल r है। मैंने कहा ठीक है बेटा इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/2 समेशन r इक्वल 1 to n और अपॉन r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 और r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 और ऊपर बेटा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। तुमने कहा हाँ बेटा ये ऐसा कर दो। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2r आ जाएगा। इसको मैंने अलग अलग कर दिया लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/2 समेशन r इक्वल 1 to n और इसको अलग अलग किया बेटा दिस अपॉन दिस तो ये आ गया 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 − 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस r प्लस 1। अच्छा ऐसा आ गया? मैंने कहा हाँ बेटा ये ऐसा आ गया। तुमने कहा बिल्कुल टेंशन मत लो, अब r की जगह वैल्यू रखो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/2 और ये बेटा वैल्यू रखिए r की जगह 1 रखा 1 − 1 = 1 − 1/3 नेक्स्ट r की जगह 2 रखा 2 × 4 = 4 − 2 = 1/3 − 1/2 × 4 + 7 नेक्स्ट बेटा क्या आर की जगह 3 9 + 1 = 10 1/7 − प्लस और आर की जगह n² − n + 1 − 1 / n² + n + 1। बेटा देखो ये कैंसिल होता जा रहा है, ये कैंसिल हो गया, बचा कौन? तुमने कहा पहला बचा और लास्ट बचेगा। ओके लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/2 × 1 − 1 / n² + n + 1 तुमने कहा इस और n की जगह बेटा इन्फाइनिट रखूँ तो 1 अपॉन इन्फाइनिट ये 0 तो हमारा आंसर कितना आ गया 1/2। दिस इज योर आंसर। बच्चों जैसी बात है आराम से हम डील कर सकते हैं।